मयूरेश पई जी ने जिसे संगीतबद्ध किया था। वे पंक्तियां हैं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने इन प्रधानमंत्री जी की पंक्तियों को अपना स्वर दिया, जिसे संगीत दिया था मयूरेश पई जी ने। प्रधानमंत्री जी के लिए ये पल बहुत ही कष्टदायक है। वे आज सुबह से ही बहुत बोझिल हैं, दुखी हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी, अजीत पवार जी, सेना के जवान राष्ट्रीय सम्मान दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, सबसे नमन कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, प्रधानमंत्री जी अपनी बहन को भारी मन से, नम आंखों से विदाई देंगे। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ही हैज कम टू पे हिज लास्ट रिस्पेक्ट्स टू हिज सिस्टर, टू अ बॉन्ड दैट वाज बियॉन्ड वर्ड्स, to a bond that was a very, very sacred one, that of a bond of uniting with the country, of unity, of brotherhood, of love, of peace, of unity. आणि शोकाकुल वातावरणामध्ये शिव तीर्थावर मावळत्याच्या सूर्याच्या साक्षीने it is just apt that the Prime Minister pays last respect to his sister. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ठिकाणी पंडित रूप नारायण त्रिपाठी जी की एक रचना पीर टाले नटल रही होगी, यूं तबीयत मचल रही होगी, तुम चिता देख कर न घबराना, आत्मा घर बदल रही होगी। प्रधानमंत्री जी नम आंखों से अपनी दीदी को नमन करते हुए भरे मन से, अश्रु से भरी आंखें आप देख सकते हैं। अपने प्रत्येकाच्या भावना खऱ्या अर्थाने आज आपल्या साश्रू नयनातून आपण सगळे जण व्यक्त करतोय, तर असा क्षण कधी आपल्याला आयुष्यात लवकर येईल असं वाटलं नव्हतं। आपल्या स्वरातून आपल्या मनावर अधिवाच्य गाजवणाऱ्या, गालू गाजवणाऱ्या त्या लताजींना आपण आज अखेरचा निरोप देतो। माननीय राज्यपाल डॉक्टर भगत सिंह कोश्यारी या ठिकाणी दीदींना पुष्पचक्र अर्पण करून आदरांजली अर्पण करतात।
माननीय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के गवर्नर भारत रत्न लता मंगेशकर यांना भगत सिंह कोश्यारी जी आदरांजलि या ठिकाणी व्यक्त करतात। अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी आणि पर्यटन मंत्री माननीय आदित्यजी ठाकरे या ठिकाणी दीदींना भारत रत्न लता मंगेशकर त्याचबरोबर पुष्पचक्र अर्पण करून आपले आदरांजली श्रद्धांजली देते हुए पूरे महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से माननीय नरेंद्र जी मोदी ठाकरे जी माननीय लता दीदींच्या सर्व कुटुंबियांना या ठिकाणी त्यांची सांत्वनपर भेट या ठिकाणी होते आणि दुसरीकडे राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री यांनी आता नुकतंच दीदींना पुष्पचक्र अर्पण केलं आणि सौरश्मी बहिणी आणि त्याचबरोबर पर्यटन मंत्री आदित्यजी ठाकरे यांनी दीदींना पुष्पमाला अर्पण करून आपली आदरांजली व्यक्त करतात। पीयूष गोयल साहब, केंद्रीय मंत्री माननीय पीयूष जी गोयल या ठिकाणी दीदींना आदरांजली व्यक्त करतायत। त्याचबरोबर माननीय खासदार माननीय शरदचंद्रजी पवार हे देखील या ठिकाणी दीदींना आदरांजली वाहत आहेत। अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे पूरा प्रांगण गुज रहा है। जब तक सूरज चांद रहेगा 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 अमर रहे अमर रहे अमर रहेगा अमर रहेगा अमर रहे अमर रहे अमर रहेगा। जय घोष। राज्याचे सन्माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार या ठिकाणी लता दीदींना पुष्पचक्र वाहून आदरांजली वाहत आहेत। तत्पूर्वी त्याच्या अगोदर गोव्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत यांनी देखील दीदींना त्या ठिकाणी आदरांजली वाहिली। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी मिल रहे हैं आशा जी से, जोनई से, उषा जी से,
परिवार के सभी सदस्यों से। मुंबईकरांच्या वतीने मुंबईच्या प्रथम नागरिक तथा महापौर माननीय किशोरताई पेडणेकर या ठिकाणी लता दीदींना आदरांजली वाहत आहेत। पुष्पचक्र वाहून त्या ठिकाणी आदरांजली व्यक्त केली जाते। मुंबईच्या प्रथम नागरिक तथा महापौर माननीय किशोरताई पेडणेकर।